एक्चुअली मुझे इस फिल्म में जो ज़्यादातर जो सीन्स हैं वो फनी सीन्स हैं. फिल्म एक कॉमेडी है. वो जो एक क्लासिक फॉर्मेट होता है रोम कॉम का, जहाँ पर जब रेजोल्यूशन होने वाला है स्टोरी का, थिंग्स गेट अ लिटिल बिट सीरियस, जब सारे पोल खुलते हैं लाइफ के, तो ऐसा ही कुछ है. मगर बहुत कॉमेडी करने का मौका मिला है इसमें. जो डायलॉग्स थे बहुत फ़नी हैं, सिचुएशंस बहुत फ़नी हैं. तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम जो सारी फिल्में मैंने आज तक की हैं एज एन एक्टर एटलीस्ट, दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट ह्यूमर दैट आई हैव गॉट टू डू इन फिल्म. साइड इफेक्ट्स एक्चुअली ऑफ एनी थिंग, बिकॉज इट्स नॉट अ मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग दैट हैज सर्टन प्रॉपर्टीज दैट आर कंसिस्टेंट इन एवरीवन्स रिलेशनशिप. It's an individual experience. There are people who, depending on their personality and how they are, they can focus on good things. There are people who like to focus on negative things. So it depends on an individual. I am very happily married for the last 14 years of my life. I have no complaints whatsoever. That's all I can say about my side effects.